अगर तुम्हें सुनने की कला आ जाए। सुनने की कला का सार इतना ही है कि सुनते समय सिर्फ सुनो, विचार भी मत करो, सोचो भी नहीं कि गुरुजी जो बात कह रहे हैं सही है कि गलत है। पहले तो तुम सुनते समय यही सोचते हो कि सही भी बात है कि गलत है और व्यावहारिक है कि नहीं है, गीता की है कि बाहर की है, यहाँ की है वहाँ की है, हजार प्रश्न हजार चीजें दिमाग में सोचते हो, सुनते समय सुनते नहीं हो। इसीलिए कहते हैं सुनते समय श्रद्धापूर्वक सुनो। श्रद्धापूर्वक इसलिए कहा जाता है ताकि तुम फोकस कर सको सुनने पर। और श्रद्धा में पूजा करवाने का भाव नहीं है। जब भी संबुद्ध पुरुषों ने कहा श्रद्धापूर्वक सुनो, उसके पीछे एक राज था कि इस बहाने तुम पूरा पूरा सुन सकोगे। और श्रद्धा इसीलिए महत्वपूर्ण भी होती है कि गुरु के प्रति अगर श्रद्धा है तो तुम पूरा पूरा सुनने में समर्थ हो जाओगे। क्योंकि जब तुम सुनोगे और समर्पण के भाव से सुनोगे कि व्यक्ति नहीं अस्तित्व गुरु के माध्यम से बोल रहा है, तब तुम्हारे सुनने में बड़ा फर्क पड़ जाएगा और फर्क तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। इतना बदल देगा कि तुम्हें बुद्धत्व भी उपलब्ध हो सकता है अगर इस भाव से सुन सके तुम तो। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा तुम श्रावक बन जाओ या साधक बन जाओ। साधक का मतलब साधना करो, फिर अपनी साधनाएं करो, ये साधना वो साधना, ये ध्यान वो ध्यान। या फिर साधक नहीं बनना तो श्रावक बन जाओ, फिर पूरा पूरा सुनने की कला पैदा करो। तो जो वर्तमान में जीता है वही जी सकता है वर्तमान में। जो अपनी जिंदगी के सभी कृत्यों को करते समय सारी ऊर्जा उसी कृत्य में लगा देता है, भोजन करते समय सारी ऊर्जा भोजन में लग जाए, चाय पीते समय सिर्फ चाय पियो। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि भोजन करते समय सिर्फ भोजन। मैं वही चीज़ें आपसे कहता हूँ जो मैंने किया है, जिसके परिणाम मुझे मिले हैं, आप करोगे आपको भी उसका परिणाम मिलेगा। आप इससे सेंटर्ड हो जाओगे विद इन योर सेल्फ। और जब आप अपने भीतर सेंटर्ड हो जाओगे वो कला आपके भीतर आ जाएगी। अभी आप सेंटर्ड नहीं है, जब आप सेंटर्ड हो जाएंगे, एक बिंदु आपके भीतर है, जब आपकी चेतना वहां टिकने लगेगी वो, तब आप कुछ भी करते रहो पता ही नहीं चलेगा कि आप कुछ कर रहे हो। आप वही सेंटर्ड रहोगे। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं तब भी मैं सेंटर्ड हूं, अपने केंद्र पर हूं। पहले मैं कहता हूं कि पहले अपना केंद्र खोज लो, अपने भीतर के केंद्र पर पहुंचने लगो। जब केंद्र मिल जाएगा तो एक साथ तुम हजार काम करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तब अपने आप अकेले तुम 100 आदमियों का काम करने लगोगे, एक साथ हजार काम करते रहोगे। यू विल गेट द सेंटर ऑफ दिस होल एग्जिस्टेंस एंड दैट इज नो हेयर, जस्ट विद इन यू। द सेंटर ऑफ दिस होल एग्जिस्टेंस इज विद इन एवरीबॉडी, नो बॉडी इज डिप्राइव्ड ऑफ इट। बट यू हैव टू फाइंड इट आउट एंड आई एम गिविंग यू द महामंत्र फॉर दैट, to find out the center of your own being, and that is learn the art of doing. Every act must be done with total energy and absolute involvement. सारी ऊर्जा उसी कृत्य में लग जाए, तब तुम्हें एक नए जीवन का बोध होगा, एक नए जीवन का अनुभव होगा। अभी तो सब मुर्दा हो, सच्ची बात बताऊं एकदम मुर्दा लगते हो, हाथ भी मिलाते हो मुर्दा, वाणी में भी जान नहीं, क्योंकि तुम जीवन है ही नहीं। जीवन तो होता है तब जब तुम वर्तमान में हो, तुम तो डेड पास्ट एंड इमेजिनरी फ्यूचर में रहते हो, कैसे जीवन मिलेगा? जीवन तो मिलेगा जब तुम वर्तमान के क्षण में होगे। इसलिए जीसस का एक वचन मुझे बहुत हिला देता है जब याद करता हूं, जब उस मछुए से उन्होंने कहा था कि चल जिंदगी भर मछली मारता रहेगा, चल मेरे साथ। उसको खबर मिली कि उसके पिता की मृत्यु हो गई, तो उसने कहा मैं चलने को तो तैयार हूं लेकिन पिता की मृत्यु हो गई है, मैं पहले उनको दफना आऊं, उनका कार्यक्रम कर दूं, फिर मैं आऊंगा। जीसस ने जो वचन कहे बड़े अद्भुत, उन्होंने कहा तेरे गांव में बहुत मुर्दे हैं, वे दूसरे मुर्दे को दफना देंगे, तुम्हारे गाँव में
बहुत मुर्दे हैं, वे दूसरे मुर्दे को दफना देंगे, तू मेरे साथ चल। हिम्मत का काम था, लेकिन वो कह सके सिर्फ इसलिए कह सके क्योंकि उन्हें इस चीज का बोध था कि वास्तव में आदमी मरा मरा ही जी रहा है, और वास्तव में जीवन का अनुभव करना चाहते हो तो वर्तमान के क्षण में तुम्हें आना पड़ेगा, और वर्तमान के क्षण में आना ही अध्यात्म है, वर्तमान के क्षण में जीना ही देवत्व को पाना है। भगवान कृष्ण की और कोई परिभाषा नहीं, वो सिर्फ वर्तमान के क्षण में जीते, और वर्तमान के क्षण का सत्य ही सत्य है। कृष्ण से लोगों ने कहा कि आपने संकल्प लिया था, शपथ ली थी कि युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। उन्होंने कहा जिस क्षण मैंने संकल्प लिया था उस क्षण का सत्य था, उस क्षण का सत्य था न उठाना अस्त्र, और जो बाद में घटना घटी वो बाद के क्षण का सत्य थी। सत्य तब भी मेरे समक्ष वही था, सत्य आज भी मेरे समक्ष वही है। क्षण क्षण जीना, क्षण में जीना, वर्तमान में भी जीना, ऐसा नहीं है कि आपके लिए संभव नहीं है, हर आदमी के लिए संभव। मैं तो समझता हूं कोई चीज एक आदमी संभव कर सकता है तो सबके लिए संभव, सिर्फ आप प्रयास नहीं करते, सिर्फ आपके भीतर प्यास नहीं है। प्यास और प्रयास दो चीज का होना जरूरी है, अगर प्यास और प्रयास हो तो जो महावीर बुद्ध कृष्ण क्राइस्ट मोहम्मद को मिला आपको भी मिल सकता है।